हिस्ट्री रेफरेंस बुक फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ऑल्सो हमारे यू पी एस सी प्रिलिम्स और मेन्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक है सो so, अगर आप यू पी एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है हिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है उसको पूरा कवर करना है सो so, उसके लिए दो स्पेसिफिक बुक्स फॉलो की जाती है द फर्स्ट वन बींग द स्पेक्ट्रम द सेकेंड वन बींग द एन सी आर टी द ओल्ड एन सी आर टी इफ वी डू कॉम्प्रीहेंसिवली कवर बोथ दिस बुक्स सो डेफिनेटली हमारा यूपीएससी प्रेलिम्स में हिस्ट्री के मॉडन हिस्ट्री के क्वेश्चन एंड यू पी एस सी मीन में जो मॉडन हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं वो डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होते हैं एंड दिस इ प्लान दट वी एक्चुअली डू दिस इज द थिंग विच वी आर एचुअली प्लानिंग टू डू थ्रू दैट सीरीज की एनसीआर टी पूरी की पूरी, पूरी ओल्ड वाली और जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लें नाउ ट्वेंटी फाइव चैप्टर्स ऑफ दट सीरीज हैजऑ ऑलरेडी डन दिस इज द चैप्टर नंबर ट्वेंटी सिक्स इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी आई एम अवेलेबल ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल अगर आपको स्पेक्ट्रम का पी या फिर इन क्लासेज का पी डी एफ चाहिए सो so, वो मेरे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है प्लीज डू कनेक्ट विद मी नाउ बिकॉज वी हैव बीन एक्चुअली स्टार्टिंग इट आफ्टर अ डिले आई वुड एक्चुअली लाइक टू शो यू कि हमारी जो स्पेक्ट्रम की बुक है हमने अभी यहां पर अगर हम फुल फ्लैजेड बात करें तो वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड टिल द फर्स्ट स्टेज डिबेट सो हमने चैप्टर ट्वेंटी ऑफ द स्पेक्ट्रम विच अबाउट द डिबेट्स ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटजी आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंप्लीट कर लिया है वी हैव डन दिस एंड टूडे वील भी एक्चुअली फोकसिंग ऑन दी चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन विच इज द कांग्रेस रूल इन द प्रोवेंसेज अब हम जो ये सीरीज थे ये थोड़े दिनों बाद कर रहे हैं सो बिफोर वी बिगिन लेट्स गो ऑन स्लाइटली क्रोनोलॉजी सो दैट वी आर अवेयर वेयर वी आर स्टैंडिंग इन द हिस्ट्री राइट नाउ अब थोड़ा सा पीछे जाते हुए रिसेंटली नाइनटीन हंड्रेड थर्टी इसके बारे में बात करते हैं लाइक वी हैव डन द चैप्टर्स वन दिस स्पेसिफ़िक चैप्टर जिसके अंदर फ्यूचर स्ट्रेटजी आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है दैट बेसिकली बिगिन इन नाइनटीन हंड्रेड थर्टी नाइन्टीन हंड्रेड थर्ट में महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च के साथ जो कि अप्रॉक्सीमेटली टू हंड्रेड फोर्टी टू माइल की एक जर्नी थी पैदल उन्होंने साबरमती आश्रम से डांडी नाम के एक गुड़गांव गुजरात के uh, गांव तक विजिट किया था एंड ही ब्रोक दिस सॉल्ट लॉ ओवर देयर नाउ दिस इज कॉल्ड एज द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मोवमेंट अप्रैल 6 को ये ऑफिशियल बिगनिंग हुई थी सिविल डिसोबिडियंस मोवमेंट की द मोमेंट दिस हैपेंड ऑल ओवर द कंट्री जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह बिगिन किया दे ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड बाई द एंड ऑफ द मे एंड जून ऑफ नाइनटीन मोस्ट ऑफ दी प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू एंड एवरीबडी एल्स फॉर बेसिकली इन द जेल ये वही साल है जिस समय इन द सेम ईयर वी ऑल्सो सी कि मे नाइनटीन हंड्रेड थर्टी में साइमन कमीशन विच वॉज अपॉइंटेड इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन नवंबर नाइनटीन ट्वेंटी सेवन उन्होंने अपनी कमीशन uh, उस कमीशन ने जो कि नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन के मॉन्टेक चैंस फॉर रिफॉर्म्स को एनालाइज कर रहा था अपनी रिपोर्ट सबमिट की नाउ टू डिस्कस द साइमन कमीशन रिपोर्ट ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज कॉल्ड बट इन दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन लंडन no congress leader was able to attend that because most of them were in the jail due to the civil disobedience movement so when the first round table conference failed the mahatma gandhi was actually let go from the jail uh, on unconditional and the viceroy of india at that time irwin and gandhi basically signed a pact on the 5th of the march 1931 uh, the in short the purpose was this that irwin wanted to convince congress and mahatma gandhi to attend the second round table conference and in return his condition was that the civil disobedience movement shall be suspended gandhiji gave him certain demands which most of them were conceived uh, convinced most of them were conceived by the uh, british administration at that time and on that condition basically mahatma gandhi attended the second round table conference which again did not actually came to fruition and no particular single decision about the indian constitutional reforms was able to be taken uh, once the gandhi came back in 1932

Now we have already done the 1935 Government of India Act. Uh, here the focus of today is that, that in Gandhi -Irvin Pact, Gandhi Irwin Pact in 1931 March, the civil disobedience movement was called off. But when Gandhi came back in 1932 January, he again restarted the civil disobedience movement. Obviously, with not that fervor, jaisa pehle initial tha, but that was again started. And officially, the civil disobedience movement was called off in 1934 because it was not going any forward, and there was no other development that was actually happening at that time. Despite all along all the historical events happening in 1935, the Government of India Act passed the 1935 Act also on the basis of the 1935 act in 1937 there were provincial elections in the february and the march now related to this we have actually discussed in this last chapter that once the civil disobedience movement was over once the civil disobedience movement was over in 1934 what shall be the future strategy of the congress and indian national movement we have discussed it in the lecture number 25 the last of the series the first stage debate the government of india act 1935 and the second stage debate the crux is that once the britishers introduced the government of india act 1935 there was a dilemma there was two different opinions in the congress that whether they shall fight the elections on the basis as they were introduced in government of india act 1935 so 1935 ka jo ye law tha well, you can say that at that time this was the constitution of India. Elections were supposed to be held in British provinces at that time, and Congress was amongst the splitting uh, were split into two opinions: ki whether we shall actually find uh, fight the elections or whether we shall actually uh, continue the civil disobedience and non-cooperation. Uh, one way or the other, a decision was basically taken that those elections shall be fought. Now, the next chapter which we will be discussing today is the chapter number twenty-one. चैप्टर नंबर ट्वेंटी स्पेक्ट्रम चैप्टर नंबर ट्वेंटी स्पेक्ट्रम का है वो ये डिस्कस करता है चैप्टर नंबर ऑफ़ द स्पेक्ट्रम ये डिस्कस करता है कि जब 1937 में इलेक्शंस हुए कांग्रेस फॉर द इलेक्शंस एंड फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन सेवरल ऑफ दोज़ दिलेवन प्रोविंसेस सो दिस चैप्टर इज डिस्कसिंग दैट पीरियड ऑफ़ द टाइम व्हेन कांग्रेस हैड प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज अगर आपको इसको एनालॉजिकली analog समझना है तो ये समझिए कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट है इस समय हमारे देश के अंदर जो राज्य हैं उनकी जो गवर्नमेंट होती है सो so, नाइनटीन में कांग्रेस इलेक्शन लड़ी और वो बड़े सारे से स्टेट इलेक्शन जीत गई एंड दे फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट Rudimentary type of they obviously had not all the powers which we have, which our state governments have nowadays. Because our government, state government, that is, uh, that is uh, on the basis of the federalism and the power distribution is slightly more clear and unambiguous due to the constitution's Schedule Seven. But at that time, the provincial elections did happen and Congress rule started in the provinces. So, this chapter is just discussing the work which was done under the Congress ministries from 1937 to 1939. Why 1939? Because in 1939, the World War II started and Congress ministries resigned in the protest that the britishers has declared india a belligerent nation against the germany without taking the indian opinion that's why they actually in protest resigned so let's just see what exactly was the deal about it uh, if you need the pdf this is available on this telegram channel okay so chapter number 21 of the spectrum chapter uh, lecture number 26 of uh, this series we are discussing the congress rule in the provinces from 1937 to 1939 Right? Okay, we are okay with that. Congress ministries were formed in Bombay, Madras, Central Provinces, Odisha, United Provinces, Bihar, and later on in this, uh, with the support in the Northwest Frontier Provinces and Assam. I think a visual representation would actually be slightly more better. So, in February, March 1937, the British Indian provinces were मतलब कि एक प्रकार से अगर आप एनालॉजिकली बात करें तो स्टेट जैसे आज जिनको स्टेट कहते हैं उनको इंडिपेंडेंस से पहले प्रोविंसेस कहा जाता था जैसे ये बॉम्बे प्रोविंस है ये मद्रास प्रोविंस है ये सेंट्रल प्रोविंसेस ये यूनाइटेड प्रोविंसेस ये बिहार एंड उड़ीसा ये बंगाल प्रोविंस ये आसाम प्रोविंस नाउ दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग Our states are actually ruled by the constitution, so there is an absolutely clear cut distinction between the powers and the responsibilities, legislative and executive, in both manners between the center and the state. But this was an imperial force, this was basically controlled by the Britishers. So, for the administration purposes, India was divided into 11 provinces. The pink uh, or the slightly orangish, I don't know, this is not orange, uh, the lighter tone, these are the

से कि यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस की सर स्टेट गवर्नमेंट थी स्टेट गवर्नमेंट थी नाउ महात्मा गांधी जी ने एडवाइस दी थी कि जब भी जब कोई uh, क्योंकि बिकॉज ऑल ऑफ दिज वांग्रेस मैन सो वेन दे विन द इलेक्शंस एंड दे विल फॉर्म द मिनिस्ट्रीज तो ऑफिस को थोड़ा लाइटली ना ले रादर दे शुड कंसिडर इट द क्राउन्स ऑफ थॉन्स विच हैड बिन एक्सेप्टेड टू सी इफ दैट कैंड द पेस टूवर्ड्स द नेशनलिस्ट गोल See, the argument is this ki Congress is basically arguing and protesting against the government, of Act, the government of India Act 1935. According to them, the constitutional reforms have been not done to the level of the demands of the people. In 1930, uh, Congress has decided Poon Savaraj would be the final goal of the Congress. So according to them, the constitutional reforms shall include the Dominion status. But the Government of India Act 1935 does not have it. It is just trying to provide a new kind of a federal structure. So they are in a way boycotting the Government of, in, act Indian, uh, government of India Act 1935. But they are also fighting the elections. On the argument that if they do capture the ministries, they'll probably be able to do the nationalist goals, will be able to achieve them easier. So Gandhi is basically advising them that you people will form offices. When people when you will have offices, you will have power, and power sometimes corrupt, uh, corrupts also. And it would be very easy to tempt you towards the Britishers. So these offices should not be used in a way which basically Britishers intend karma. Right? So you should try to rule the uh, people with the least assistance from the police and the army, these being the two tools which were used by the britishers to oppress the indians. right? now let's discuss. once the ministries, once all these ministries were formed from 1937 to 1939, approximately two and a half years, what exactly was the congress able to do? first of all, work under the congress ministry. So first of all, imagine uh, all the people who were supporting the civil disobedience movement in one thousand nine hundred thirty to one thousand nine hundred thirty-four. four political mobilisation, finally they sort of got into power in one manner or the other. So they had a chance to prove that Indians can rule themselves and we do not need the Britishers. So there was an absolutely huge enthusiasm. There was an increase in the prestige of the Congress. This obviously has to win. If you do win, anything. Yeah,

देखो कांग्रेस जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो लिमिटेड रूल्स हैं उसके अंदर ही काम कर सकती थी तो जो ये 28 महीने का जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का काम था ऐसा नहीं था कि दे वर एबल टू एक्चुअली शो समथिंग आउटस्टैंडिंगली रेडिकल दे डिड वर्क बट दे वर्क अंडर देयर ओन लिमिटेशन ऑफ दैट टाइम अट्ठाइस साल में कांग्रेस का जो भी प्रोविंस में रूल था दे ट्राइड टू डू सेवरल एफर्ट्स जिससे लोगों का वेलफेयर बढ़े वैसे ही क्या क्या किया था सबसे पहले बात करते हैं सिविल लिबर्टीज के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट uh, में सो द होल पॉइंट ऑफ अपोजिंग द ब्रिटिश रूल फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सिविल लिबर्टीज सो ब्रिटिशर्स आर नॉट ट्रीटिंग इंडियंस एज इक्वल दे आर ट्रीटिंग रादर दैम दे आर ट्रीटिंग देम रादर एज ए सब्जेक्ट तो जो वो सिविल लिबर्टीज हैं जिनके लिए कांग्रेस फाइट कर रही थी डज दैट इंक्रीज और इंप्रूव वेन कांग्रेस इज रूलिंग दी स्टेट्स और द प्रोविंज वेल कांग्रेस मिनिस्ट्री डिड मच फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि लॉज गिविंग एमरजेंसीज पावर रिपील्ड सो जितनी भी ये स्टेट्स प्रोविंसेस uh, में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जहां जहां पर भी जो एमरजेंसी पावर वाले लॉज थे उसमें से कुछ कुछ को रिपील कर दिया गया था इलिगल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हिंदुस्तान सेवा दल यूथ लीग कुछ ऐसे बुक्स और जर्नल्स के ऊपर जो ब्रिटिशर्स जिनको बैन कर देते थे वो बुक्स के बैनस को उन्होंने कांग्रेस ने लिफ्ट कर दिया प्रेस रिस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टिड आउट ऑफ इन द प्रोविंस न्यूज पेपर्स वर टेकन आउट ऑफ द ब्लैक लिस्ट विच वर्यर पोर्ट इन ब्लैक लिस्ट बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जितने भी कॉन्फिस्केटेड आर्म्स और आर्म लाइसेंस देर रिस्टोर्ड पुलिस पावर्स को थोड़ा सा कर्ब किया गया था एंड पोलिटिकल प्रिजनर्स और रेवोल्यूशनरीज जितना भी पॉसिबल था वर रिलीज एंड डिपोर्टेशन एंड द इंटर्नमेंट ऑर्डर्स वर रिवोक्ट Again, फिर से ना पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ के देखो सो so, हिस्ट्री का एक चैप्टर है जहां पर 1937 से लेके 1939 तक 28 महीने का समय है इंडिया में भारत में प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में वे द कांग्रेस हुई इज लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट एट दैट टाइम फाइट्स इलेक्शन एंड विन दो इलेक्शन सो वट डू दे डू वेन दे विन द इलेक्शन डिड द स्टेड ट्रू टू देयर ओन प्रिंसिपल विच दे वर फाइटिंग सिंस लास्ट ट्वेंटी ईयर्स इन इन अ मैनर उस चीज को प्रूव करने के लिए हम हिस्टोरिकल रेकर्ड्स देखते हैं सो दे दे डिड सम वर्क रिलेटेड टू द सिविल लिबर्टीज इन बॉम्बे लैंड कॉन्फिस्केटेड बाई द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट वॉज रिस्टोर्ड पेंशन ऑफ द ऑफिशियल्स जो कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट से एसोसिएटेड थे वर रीस्टोर्ड बट नॉट एवरीथिंग वॉज एज गुड एज इट वॉज अपोज टू बी सी Yusuf Meherali, a socialist, he was arrested by the Madras government, at that time Congress government, Congress Madras government, due to the inflammatory speeches and later released. S.S. wala again a socialist, was arrested by the Madras government for seditious speech and given a six month sentence. The K.M. Munshi, the Bombay Home Minister, used CID against the communist and the leftist. What does this tell us? So, Britishers were doing all these things. अगेंस्ट द इंडियंस सो जब ब्रिटिशर्स किसी भी इंडियन को इन्फ्लेमेटरी स्पीच देते हुए देखते थे ऑब्वियसली अरेस्ट कर देते थे uh, किसी को कोई सिडिशियस स्पीच का जिसके ऊपर चार्ज होता था उसको सजा देते दे थे हैपन विद दी महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलकटू बट द सेम थिंग वॉज डन बाय द कांग्रेस ऑल्सो सो यूसुफ मेहराली ही वॉज अरेस्टेड बाई द मद्रास गवर्नमेंट एस एस बाटली वाला अगैन अरेस्टेड बाई द मद्रास गवर्नमेंट फॉर द सीडिशियस स्पीच के एम मुंशी now दीज टू पीपल आर दी सफर ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल एस एस बाटली वाला एंड दिस पन इज द के एम munshi ही इज अ कांग्रेस मिनिस्टर वो कांग्रेस के साथ कांग्रेस के टिकट पे लड़ा है बॉम्बे में इस समय होम मिनिस्टर है एंड ही यूज इज दी आई डी अगेंस्ट दम्युनिस्ट सो वी एट वी एट जस्ट लिस्टिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दी कांग्रेस रूल सो देर वर सम गुड थिंग्स विच देवर एबल टू डू बट उसके ऊपर कुछ ब्लेमिशेज भी हैं उस रूल पे इट वॉज नॉट एज परफेक्ट that is how it works because it's a very very large organization right so obviously not everybody is mahatma gandhi not everybody can be jawaharlal nehru there are some people who are actually attracted towards the whole process due to the power once they get the power they are under the control of the power second so first of all the civil liberties when we talk about then the second we go for the agrarian reforms what did they do there were certain basic constraints this way congress ministries bohat jada अग्रेरियन स्ट्रक्चर के अंदर तो कुछ चेंजेस नहीं कर सकते थे ऑब्वियसली एट दैट टाइम द रियल कंट्रोल स्टिलइड विद दवर्नर ऑफ द प्रोविंस और दी वाइस रॉय ऑफ द इंडिया तो कंप्लीटली जमींदारी को बिल्कुल अबॉलिश abol नहीं किया जा सकता था जितनी भी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी ऐसा नहीं था कि उनके पास कंप्लीटली फुल फ्लजेड एजुकेट पावर है सेकेंडली थोड़े से फाइनेंशियल रिसोर्सिस नाउ इवन टुडे The distribution of finances between the central government and the state government is basically imbalanced, right? the central government uh, asset taxes collect karti hai, which are larger in the share, and the state governments is generally starved of the finances and they have to depend on the central government. Exactly. Similar, the same thing is happening in the 1937 and in 1938. Also, strategy of the class adjustment was another hurdle since Jamidar had to be conciliated and neutralized. Okay. सो so, ऐसा भी नहीं था कि जैसे ही कांग्रेस इमीडिएटली पावर में जाती है तो आउट एंड आउट दे कैन डू द थिंग्स विच दे वॉन्ट टू बिकॉज जो भी जमींदार्स भी थे उनको भी बेसिकली कांग्रेस को एडजस्ट करना जरूरी था उनको भी कंसाइलिएट और न्यूट्रलाइज करना जरूरी था बिकॉज व्हेन द टाइम कम्स फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट दे वुड ऑब्वियसली नीड द सपोर्टर्स ऑफ द इलीड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू दर व कंस्टेंट ऑफ टाइम Since the logic of the Congress politics was confrontation and not cooperation with colonialism. Achha. Again, See, look at the trick. This is again a problematic. This is again, it's a weird, complex, paradoxical situation. So, Congress do have the ministries. If they want to bring the agrarian reforms, they need to cooperate with the Britishers. But they can't cooperate with the Britishers because their official principle is to get the Poon Savraj or the civil disobedience. So, if you are going for the civil disobedience or non cooperation movement, you can't cooperate with the Britishers because your internal inherent nature of the Congress is non-cooperation towards the Britishers. But to do the agrarian reforms, you need to cooperate with the Britishers at that time because they are the one who are in the power. So hence, that is the problem. And the egg hua tha Congress ki ministries Or in the Europe, it almost seemed that there might be a. पॉसिबल वर्ल्ड वॉर अगेन जो कि अभी दस पंद्रह बीस साल पहले हुई थी सो द रियक्शनरी सेकेंड चें लेजिस्टिव काउंसिल पहले उस समय जैसे आज हमारे छ स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं दे आर बेसिकली इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे कि उस समय यूनाइटेड प्रोविंसिस बिहार बॉम्बे मद्रास और आसाम इनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल था एंड इस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जनरली लैंड लॉर्ड्स मनी लैंडर्स और कैपिटलिस्ट होते थे सो दे हैड टू बी कंसिलियटेड उनको कंसाइलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि अगर कोई भी लॉ पास करना है तो वी नीडेड द सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो नाउ रिमेंबर यूनाइटेड प्रोविंस बिकम्स द उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश स्टिल हैव अ चेंबर बिहार स्टिल हैव अ सेकेंड चेंबर बॉम्बे बिकम्स द महाराष्ट्र इट स्टिल हैव अ सेकंड चेंबर मद्रास तमिलनाडु that has been removed and assam has actually been removed so you, okay by the way just to point it out there are six states in india which have bicameral state legislative assembly can you please tell me which of the state legislature sorry can you tell me it's like uh, uttar pradesh and bihar maharashtra and karnataka and andhra pradesh and telangana

As historically, when we see there were some changes which they were able to do. Most of these benefits went to statutory and the occupancy tenants, sub tenants ko jyada Kuch nahi agricultural laborers also did benefit as they had not been mobilized. So the point is that ki ye jo agrarian reforms. Hai, लॉर्ड ऑफ दो अग्रेरियन रिफॉर्म्स आर डन आफ्टर नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है बहुत सारा दैट वॉज द फर्स्ट मेन एजेंडा ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट दैट वंस वी गेट फ्री ही देर इज देर आर गोइंग टू बी सैवरल अग्रेरियन रिफॉर्म्स विच द फ्री इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एक्चुअली स्टार्ट डूइंग पर उनका जो जेनेसिस था उनका जो आइडियाज कॉन्सेप्ट स्टार्ट डिवलपिंग ड्यूरिंग दिस टाइम एटीट्यूड टूवर्ड्स लेबर वट वोट द कांग्रेस कम्स टू लेबर द बेसिक अप्रोच वॉज कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को किसी ना किसी प्रकार से प्रमोट करना है नाउ यूजअली वर्कर्स आर इन कंफ्रंटेशन विद इंडस्ट्रियलिस्ट तो हम इस चीज को समझते हैं इस चीज को जब अंडरस्टैंड करें कि कांग्रेस लेबर के जो लेबरर्स हैं वर्कर्स जो हैं उनके साथ क्या कर रही है हाउ आर दे हेल्पिंग दैम सो देव टू अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्ट द लेबर आर इन कॉन्फ्रेंटेशन विद द इंडस्ट्रियलिस्ट so how do गवर्नमेंट बैलेंसिस बिटवीन दैम कांग्रेस आर दपोर्टर्स ऑफ द लेबर टू प्रमोट द लेबर वेलफेयर पॉलिसीज बट दे ऑल्सो नीड द सपोर्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट सो दिस वॉज सॉट टू बी अचीव बाय रिड्यूसिंग स्ट्राइक्स कोशिश करनी थी कि लेबर्स को प्रमोट तो किया जाए उनके जो कंसर्स है उनको एड्रेस किया जाए पर किसी भी तरीके से स्ट्राइक ना हो बाय एडवोकेटिंग कंपल्सरी आर्बिट्रेशन प्रायर टू स्ट्राइकिंग बिफोर द एस्टेब्लिश कंसाइलेशन मशीनरी सो The Congress basically figured this out की सी दे आर द बिग सपोर्टर्स नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है कि अगर लेबरर्स की बात ना मानी जाए सो टू पुट देर डिमांड्स फॉरवर्ड या अपनी डिमांड्स बनाने के लिए स्ट्रेटेजी टूल पॉलिसी फॉलोड बाई महात्मा गांधी राइट सो हाउ डू कांग्रेस हैंडल्स इट वेन दे आर इन द पावर क्योंकि अब अगर वो पावर में एंड इफ दर्कर्स गो ऑन द स्ट्राइक ट आर दे गोइंग टू डू सो दे फिगर दिस आउट की स्ट्राइक पर जाने से पहले यू हैव टू डू अंपल्सरी आर्बिट्रेशन राइट पहले किसी ना किसी प्रकार से, से उसको सॉल्व करो अगर नेगोशिएशन से सॉल्व नहीं हो पाता है देन दर्कर्स आर बेसिकली फ्री टू लीड दम सेल्फ गुड विल वो सॉट टू भी क्रिएटेड बिटवीन लेबर एंड द कैपिटल विदेशन ऑफ द मिनिस्ट्रीज एट द सेम टाइम्स एफर्ट वेड टू इम्प्रूव दर्कर्स कंडीशन एंड सिक्योर वेजेस दैट वॉज द होल आइडिया मतलब इस पूरे के पूरे Jab paragraph ko padre. So catch ki karo. Congress is fighting for workers and the laborers and the peasants and the tenants. Okay. But suddenly they are in the power. And generally, when the person is in the power, they have to balance between two competing forces. They have to balance the elite classes also. They have to balance their demands also. How do you manage them now? That is what this Particular question or the part of the history is about. So, ministries treated militant trade union protest as law and order problems and acted as the mediators as far as possible. This approach was largely successful, but Bombay mein ho the. leftist critics were not satisfied by this approach. Generally, the ministries took recourse to section 144 and arrested the leaders. So, they did what the Britishers used to do. So, Joe. लीडर्स लेबर के जो थोड़े से ज्यादा मिलिटेंट थे स्लाइटली ज्यादा एग्रेसिव थे और यूज टू गो टू स्ट्राइक फॉर अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर वक्चुअली ट्रीटिंग दैम एज अंड ऑर्डर प्रॉब्लम सो उनके जो भी लीडर्स थे वो सेक्शन 144 को इन्वोक करके उनको अरेस्ट कर लिया करते थे सो व्हाट वाज़ द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड ब्रिटिशर्स देन? nehru was basically unhappy about the repressive measures but in public supported the ministries to protect them from petty and the petulant criticism gandhi yes obviously gandhi has always been against the non-violence so in militant or violent methods ke against the but he was actually planning ki via, again his concern was the popular base of the congress shall not erode he appealed to congressmen against frequent resort to colonial laws and the machinery see Whenever you are reading the chapters or the lines in the history book, always try to generate the history in your mind. What am I saying? What it means is that see, Nehru was unhappy about these repressive measures, but in public supported the ministries. Gandhi was against militant and violent method. He appealed to Congressmen against frequent resort to colonial laws and the machineries. So what is happening is that the provinces. Imagine this. This is what have happened, and if you Think it logically, you would be able to connect uh, why this line is written like this in the book. So this is much, much this is what must have happened. So there is a ministry in Bombay. Okay, uh, there is a possibility there are several strikes, strikes going on. Bombay province may but he strikes mill, may cotton, mill, maybe mill may sugar mill, may sugarcane mil sugar mill may strike okay. So these ministers basically. फिगर्ड और अंडस्टूड इट एज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम उनके लिए स्ट्राइक जो है यह लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है सो दे जस्ट इनवोक्ड सेक्शन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर सेक्शन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर इनवोक करके उन्होंने जो लीडर्स हैं यूनियन लीडर्स उनको अरेस्ट कर लिया ओके फाइन नाउ इन दिस केस इन दिस पर्टिकुलर इवेंट द reaction of the Nehru is coming and the Gandhi's uh, reaction of the Gandhi is also coming so Gandhi basically reacts and he says that he frequent resort to colonial laws should not be resorted so probably he mentioned that thing somewhere in newspaper or somebody interviewed him and he reacted it like that. क्योंकि अब वो ऐसा थोड़ी ना कि वो घर पे जा जाकर सबकी मिनिस्ट्रीज को मैनेज कर, कर सकता है माइक्रो मैनेज कर सकता है सो थिंग्स आर गोइंग टू हैपन बिकॉज इट्स अ बिग ह्यूज मशीनरी दिस इज मशीन होल कंट्री राइट सो देर आर थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन विच ऑब्वियसली गांधी विल कम टू नो लेटर ऑन सो उसका ओपिनियन है ही जस्ट ओपिन एंड देन दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द हिस्ट्री दैट दिस इज हाउ नेहरू वजरी रिएक्टिंग दिस इज हाउ गांधी वजरी रिएक्टिंग तो ये जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज uh, थी जिसमें सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स में क्या किया अल सबसे पहले प्रोहिबिशन इंपोज इन सर्टेन एरियाज प्रोहिबिशन मतलब कि अल्कोहल की सेल कई जगहों पर बंद कर दी गई मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द हरीजन्स हैव बीन टेकन कई जगहों पर टेंपल एंट्री यूज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज स्कॉलरशिप्स इंक्रीज इन द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड द पुलिस अगेन हाउ मच इज दैट हाउ मच दैट वॉज पॉसिबल इज ऑब्वियसली अ मैटर ऑफ डिबेट द थिंग इज दैट की हिस्टोरिकल रेकर्ड शो दैट देर वर सम पॉलिसीज

जब कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी इन सारे के सारे प्रोविंस में गवर्नमेंट बना रही है एट द टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इज सुभाष चंद्र बोस इन 1938 एंड ही कांग्रेस टू मोटिसाइज फॉर्म्स अ नेशनल प्लानिंग कमिटी ए नेशनल प्लानिंग कमिटी ऑफ कांग्रेस कि देश को कैसे इंप्रूव करना है इकोनॉमिकली कैसे प्लान किया जाएगा व्हाट शैल वी डू Extra parliamentary mass activities of the Congress. Now, in case this is what the Congress was doing in the ministries within the constitution of that time. Simultaneously, there was some one section of the Congress which was extra parliamentary activ activities, bhi kar rahe, launching of the mass literacy campaign. The extra parliamentary means which the ministers cannot do in their own role. So, this literacy campaign, launching of the mass literacy campaign, this is basically a social aspect of the Congress at that time. सेटिंग एक्स्ट्रा पार्लियामेंट मीनस नॉट लाइक दे आर ब्रेकिंग द लॉ और समथिंग इट्स लाइक बियॉन्ड द मिनिस्ट्रीज बियॉन्ड द गवर्नमेंट दे हैव फॉर्म्ड इन द मिनिस्ट्रीज उसके बियॉन्ड क्या कर रही थी कांग्रेस वेल दे वर लॉन्चिंग द मास लिटरेसी कैंपेन्स दे वर सेटिंग अप कांग्रेस पुलिस स्टेशंस एंड पंचायत कांग्रेस ग्रीवास कमिटीज प्रजेंटिंग मास पटिशंस टू द गवर्मेंट सो कांग्रेस के लोग गवर्नमेंट भी बना रहे थे एंड साइमल्टेनियसली ऑन अदर सेक्शन ऑफ द कांग्रेस वीटिंग पीपल और उनके ग्रीवान्स इकट्ठे करके गवर्नमेंट तक ले जा रहे थे सो देवर अगैन एक्टिंग कम्युनिकेशन गैप जो गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में था उसको कवर कर रहे हैं स्टेट पीपल्स मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं इन सारी बातों को अगर हम जनरली लाइक परस्पेक्टिव में देखें सो वट डिड कांग्रेस डू वॉज एबल टू डू वॉज एबल टू अचीव एंड वेयर डिड द फेल इन दो रूल By 1939, सबसे पहले तो कांग्रेस के इंटरनल भी ना बड़े सारे से जो कमियाँ थी और जो डिफरेंसेस थे दे केम इन केम आउट इन टू द ओपन ना दिस इज द इफेक्ट ऑफ द पावर यू स्टार्ट विद गुड इंटेंशंस बट देन अलॉन्ग द पाथ बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग पाथ योर ह्यूमन इंस्टेंट जनरली डज टेक ओवर बिकॉज everybody कांट भी बुद्ध everybody is not गांधी एवरीबडी इज़ सम पीपल आर जस्ट ऑर्डिनरी सो द थिंग इज दैट कि बाय द टाइम जब ये पावर थे तो जो कांग्रेस के इंटरनल डिफरेंसेस थे अपॉर्चुनिज्म पावर है भाई हम भी मिनिस्टर बन जाएं हंगर फॉर पावर हैड बीन सरफेसिंग अबंग्स द कांग्रेस मैन उसके बावजूद भी सी डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स वट द डिड वॉज स्लाइटली बेटर दैन वट दट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज डूइंग इन अ मैनर द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर स्लाइटली मोर रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड

कांग्रेस मींस डेमांसट्रेटेड दैट अ मूवमेंट कूड यूज स्टेट पावर टू फर्दर इट एंड विदाउट बींग कोऑप्टेड ओके सो यू आर अपोजिंग दी गवर्नमेंट यू आर अपोजिंग द कॉलोनियल पावर हाउ डू यू यूज द सेम कॉलोनियल पावर टू मीट योर एंड दैट वॉज दट डमानस्ट्रेटेड बाई द कांग्रेस कि जरूरी नहीं है कि उनके साथ खड़े हो जाना उनके साथ हो जाना होता है You can actually use their tools against them. The ministries were able to control communal riots. Historically, it has been confirmed that during the uh, time of the Congress ministries, the, there was a general decline in the communal riots and the morale of the bureaucracy came down. Council help worked helped neutralize many erstwhile hostile elements. The landlords were basically Congress ke against. Jo raha karte the, they started believing. They realized ki, Congress is basically not fighting against the landlords per se it's about the foreign nature of the rule what they are fighting against people were able to perceive the shape of the things to come if independence won okay this also cleared an important thing what will happen if the independence come right sometimes because there because the britishers were already ruling from 150 years so sometimes the people do lose confidence and they are unable to see the future what will happen if they'll go they have been managing it for the 150 years will it all fall down so these two and a half years of the congress ministries does give a future perspective. Okay, okay, this is what it is going to be. something like that. we were able to perceive the shape of the things. and uh, again, it cleared. so indians were able to rule themselves, right? so administrative work, jyotra, it weakened the myth that the indians were not fit to rule. but this uh, congress ministry, they resigned in the october 1939 after the outbreak of the second world war. just to reiterate the same thing, uh, the 1st of the september 1939 germany under the nazi rule ruled by the hitler declared war on poland and on 3rd of september 1939 british britain of that time of europe declared war against the germany and it also included it also declared that india is also at war with germany as the belligerent nation so this thing was opposed by the Indians, in the sense that why didn't you took our opinion in this case? So ye jo Congress victory, thi, uh, so in the protest of this, in the protest that Indians were not taken into account while declaring India at war, in this protest Congress resigned in October 1939. We'll come to this again. Congress' victory, the elections, ki, iske under working classes. मिलिटेंसी और इंडस्ट्रियलिस्ट बॉम्बे गुजरात यूनाइटेड प्रोविंसेस और बंगाल में था सो कांग्रेस वो ड्रॉन इनटू टू अ क्लोजर फ्रेंडशिप विद इंडियन कैपिटलिस्ट दिस रिजल्टेड इन व्हाट अपीयर टू बी एन एंटी लेबर शिफ्ट इन कांग्रेस एटीट्यूड दैट लेड टू द बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट इनटीन हंड्रेड थर्टी एट सो थर्टी सेवन कांग्रेस वॉज आउट एंड आउट परसेप्टिवली एंटाइ इंडस्ट्रियलिस्ट बिकॉज फॉरवर्डिंग द कॉज ऑफ द लेबर एंड दर्कर्स पर अभी इन इलेक्शन के बाद इट सीम्ड की कांग्रेस वॉज बेसिकली कांग्रेस डिड ड्रॉ क्लोजर फ्रेंडशिप विद द इंडियन कैपिटलिस्ट तो ऐसा लगता है इस समय में थोड़ा सा एंटी लेबर शिफ्ट हुआ था कांग्रेस में नॉट आउट एंड आउट बट स्टिल कांग्रेस लीडरशिप वॉज ऑल्सो फेस्ट विद अंदर डिलेमा की प्रिंसली स्टेट्स में जो सिचुएशन है उससे कैसे रिएक्ट करे शुड कांग्रेस सपोर्ट द प्रजामंडल मूवमेंट फॉर ग्रेटर डेमोक्रेसी और नॉट प्रजामंडल मूवमेंट क्या है वेन एवर वी रीड हिस्ट्री ऑलवेज लाइक इफ यू वुड नोट एस इट यू वु एक्चुअली रियलाइज कि हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है इट ऑलवेज डिस्कसिस ओनली अबाउट द प्रोविंस जब भी आप हिस्ट्री का कोई भी इवेंट सुनोगे या ध्यान से नोटिस करोगे तो यू वुड रियलाइज़ कि हिस्टोरिकल जितने भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के इवेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविंस के हैं ऑल दीज स्काई ब्लू एरियाज एंड वी जनरली इन आवर एनसीआर टीज एंड इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम डू नॉट नो दिस्ट्री ऑफ दीज एरियाज द प्रिंसली स्टेट्स इंटरनल अगेन आप कश्मीर की हिस्ट्री भी तब जानते हो जब वो 1947 के बाद इंडिपेंडेंट भारत के साथ जुड़ जाता है पर उससे पहले यहाँ पे क्या हो रहा था ना वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ दैट इज प्रजा मंडल मोमेंट विच बिगेन इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटीज नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटीज़ में जो प्रिंसली स्टेट्स स्टेट के अंदर जो लोग रह रहे थे वो अपने राजा और महाराजाओं के अगेंस्ट उन्होंने कुछ कुछ कई जगहों पर जैसे कि ओडिशा में मूवमेंट स्टार्ट की थी विच मंडल मूवमेंट सो द पीपल इन लिविंग इन द प्रिंसली स्टेट्स राइजिंग इन रिवोल्ट और रिबिलियन अगेंस्ट द किंग्स एंड द क्वींस और द प्रिसेज ऑफ दैट टाइम एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो सो द कांग्रेस लीडर ड्यूरिंग When they were forming the ministries, they had this dilemma, and they could not actually whether answer it, ki whether they shall support these movements or not, ki sometimes these prajamandal movements used to resort to violence, ki wahan pe kisi bhi ka constitutional framework in princely states. Mein. It was out and out monarchies. So at that time, the Congress couldn't actually figure out, because Congress used to support the non-violent uh, ways or the constitutional methods of the protest, which are simply सिबल और जनरली स्लाइटली मोर डिफिकल्ट टू डू इन अ प्रिंसली स्टेट तो जो प्रजा मंडल मूवमेंट थी जनरली देखा जाए तो थोड़ी सी स्लाइटली मूव वायलेंट होने की ज्यादा संभावना होती थी इन द मील वाइल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और बेसिकली अन कांग्रेस क्यों क्योंकि कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम उनके साथ किसी भी कोऑर्डिशन में पार्टी फे क्या नाम है किसी भी गवर्नमेंट में पार्टी नहीं बनाएंगे सो वट हाउ डिड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रिएक्टेड विद इट दे प्रिपेर रिपोर्ट specifically highlighting the Muslim atrocities during the Congress ministries. रिपीट ध्यान से करेंगे पहले इस शब्द को पढ़ते हैं पीरपुर कमेटी इन 1938 एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में मुस्लिम्स के ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं उनको हाईलाइट करता है सो जस्ट टू एज इन प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से याद करो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पीरपुर कमेटी पीरपुर कमेटी है क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा बनाई गई एक कमेटी जिसका पर्पस है कि 1937 में जो कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी हुई है उन उन प्रोविंसेस में मुस्लिम्स के अगेंस्ट कैसे अट्रॉसिटी हो रही है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सो so, कमेटी ने जो पीरपुर कमेटी थी इसने एक रिपोर्ट दी और इसने कहा कि कांग्रेस इज बेसिकली इंटरफियरिंग विद द रिलीजियस राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स दे आर सप्रेसिंग उर्दू इन द फेवर ऑफ हिंदी मुस्लिम को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन डिनाई कर रहे हैं इवन इन दी पॉलिटिकल रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डेफिनेटली नॉट इजी क्यों क्योंकि अलग अलग पॉपुलेशन के सेक्शन है ना देर इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट देर आर लैंडलॉर्ड देर आर लेबर देर आर वर्कर्स देर आर पेजेंट देर आर फार्मर्स एंड देर आर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग देर इज हिंदू महासभा

राइट right? जो कि 1935 एक्ट के बाद बनी है उसमें यह बताना था कि जहां जहां पे कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज है वहां पे मुस्लिम्स के साथ अत्याचार हो रहा है इट नेम्ड मुस्लिम सफरिंग्स अंडर द कांग्रेस रूल बाय ए के फजलूल हक दिस ही वाज द ऑथर ऑफ द पीरपुर कमेटी चार्ज द कांग्रेस फॉर इंटरफेरेंस विद द रिलीजियस राइट नाउ रिमेंबर एक और बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग वाली सो so, 1937 से 1939, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बेसिकली ग्रू स्टिल फार्दर फ्रॉम दी कांग्रेस हंड्रेड थर्टी नाइन ऑक्टोबर में कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया मिनिस्ट्रीज दिस वॉज सेलिब्रेटेड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज द डिलीवरेंस डे देर बेसिकली हैप्पी Obviously, the Britishers were happy anyways. All India Muslim League was happy also. So, when World War I, oh sorry, my bad, World War II started, so All India Muslim League supports the Britishers right at the outset. And Congress' question was that ki, you cannot declare India as a belligerent nation without taking the Indian opinion into account. So, in protest, we are going to resign. This obviously made All India Muslim League happy. So happy that they actually celebrated it as a deliverance day. नवर दलैस हमारा कंसेप्ट क्या है दो चीज़ों को याद करना पीरपुर कमेटी क्या है और डिलीवरेंस डे दे क्या है आई जस्ट समराइज इट 1938 और 1939 में मुस्लिम लीग ट्राई कर रही थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट जहां जहां पर है प्रोविंशियल स्टेट्स पे वहाँ पे मुस्लिम्स के क्या क्या अग्रहानसिस हैं और इस चीज को डॉक्यूमेंट करने के लिए इन्होंने पीरपुर रिपोर्ट बनाई नाइनटीन में मुस्लिम सफरिंग्स अंडर द कांग्रेस रूल बाय ए के फजलूल हक एंड इसी तरीके से एक सिमिलर रिपोर्ट है शरीफ रिपोर्ट जो कि पर्टिकुलर बिहार प्रोविंसेस में है 1938 में जो डॉक्यूमेंट करती है प्रो हिंदू एंड एंटी मुस्लिम बायस अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑल राइट सो नाउ वेन वाइस रॉय लिन लिथको डिकलेय इंडिया एट वॉर विद नाथी जर्मनी ऑन थर्ड ऑफ द सेप्टेम्बर उस समय जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस थे दे ऑब्जेक्टेड टू इट डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर थी विदाउट प्रायर कंसल्टेशन विद इंडियंस की गई है ठीक है द कांग्रेस वर्क कमेटी सजेस्टेड इट वुड कोऑपरेट इफ देर वॉज ए सेंट्रल इंडियन नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मड और इंडिया की इंडिपेंडेंस का कमिटमेंट दे दे ब्रिटिशर्स आफ्टर द वॉर द मुस्लिम लीग राइट नाउ एट दैट टाइम प्रोमिस्ड इट्स सपोर्ट टू द ब्रिटिश एंड जिन्हा ने बोला भी था उसकी स्टेटमेंट थी कि मुस्लिम शेल हेल्प्रिटिश राजल्टचर इन दिसन टू मुस्लिम होली अनसेफैक्ट्री एंड कैलकुलेटेड टू राउज रिजेंटमेंट एंड ऑन ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर सारी की सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन दे दिया So, this resignation tha, it was supported by Jawaharlal Nehru. Now, Mahatma Gandhi was not very supportive of that because at that time he wanted, ki, because Britishers were fighting against Nazism and Fascism, Fascism, Nazism, Nazism and Fascism, which, in Gandhi's opinion, was a bigger evil, is a larger evil than the colonialism of the Britishers.

अक्टूबर में रिजाइन किया है रेजिग्नेशन वॉज डन इन उसके दो महीने बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड रेजिग्नेशन ऑफ ऑल में कांग्रेस पार्टी फ्रॉम प्रोविंशियल एंड देंट्रल ऑफिस इन प्रोटेस्ट दिस माई फ्रेंड इज दैप्टर सो इफ यू जस्ट अबाउट टॉक अबाउट द होल समरी ऑफ द चैप्टर सो नाइनटीन हंड्रेड थर्टी सेवन में जब फरवरी मार्च में कांग्रेस बड़े सारे से इलेक्शंस जीत जाती है प्रोविंसेस के दे फॉर्म द गवर्नमेंट गांधी गिव्स गिवस एडवाइस कि यार ये ऑफिस जो तुम तो मिनिस्टर्स बन गए हो इसको ब्रिटिशर्स जैसे चाहते थे वैसे यूज ना करो इसको अपने नेशनलिस्ट एंड के लिए यूज करना एंड ड्यूरिंग दो ट्वेंटी एट मंथ्स हम अलग अलग फेस इट अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने सिविल लिबर्टीज पे क्या काम किया प्रेस रिस्ट्रिक्शंस का क्या किया था पॉलिटिकल प्रिजनर्स और रेवोल्यूशनरीज को उन्होंने छोड़ दिया था दे लिफ्टेड बैन

कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस 1937, 38 एंड 39 नाइन इज ऑल्सो द टाइम ऑफ द राइज ऑफ सुभाष चंद्र बोस एज लीडर एंड देन द डिफरेंसेस विट कम्स बिटवीन द रेडिकल लेफ्टिस्ट आइडिया ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड द कांग्रेस एट दैट टाइम सो यहाँ पर ये जो चैप्टर है पहले कांग्रेस का क्राइसिस का क्राइसिस ऑन द मैथड ऑफ द स्ट्रगल इसके बारे में और गांधी और बोस के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसिस दॉन वायलेंस मीन अलग अलग सारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टोटल नाइन डिफरेंट व्यू पॉइंट पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसिस एंड देन उसके बाद इसके अलावा सेकेंड वाला नॉ दिस इज हिस्टोरिकल यह नॉर्मल जो हिस्ट्री होती है कि भाई सी डब्ल्यू सी ने Uh, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है उसने क्या किया गवर्नमेंट ने क्या किया अगस्त ऑफर क्या होता है डिलीवर डे क्या होता है नेहरू सक्सेसर क्रिप्स मिशन क्या होता है क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट सो जनरली द हिस्ट्री सो वील डू इट इन टू पार्ट्स द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस दिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस दट वुड बी द लेक्चर नंबर ट्वेंटी सेवन ऑफ द सीरीज एंड द ट्वेंटी एथ वुड एक्चुअली भी डिस्कसिंग अबाउट दिस वन राइट सो दिस चैप्टर वुड wake of the World War देक would be covered in the टू एंड गो विध दूवमेंट ऑल एंड अगर आपको यही पीडीएफ की जरूरत है स्पेक्ट्रम वाले की तो यह अवेलेबलिग्राम चैनल के ऊपर यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विदुअली कनेक्ट विद मी ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल टू नाइस स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल